तो बोलता है ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्टर में, तो वाइल सिलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन सेल सेट द क्रिटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और उनको बताने के, देखो जी आप जो कुछ करेंगे ये हजार्ड ये होगा वो होगा। ये क्यूएमएस में है, क्यूएमएस में भी है, सब जगह है 8.4। हाँ हाँ सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। अच्छा ये हो गया जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अब अगला रिक्वायरमेंट आउटसोर्सिंग। अब आउट कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ, आप देखो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ वो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके यहाँ आ रहा है और आपके कंट्रोल में कोई काम वाम कर रहा है। कौन साइट? हाँ वही हुआ ना कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्सेप्ट थ्रू आउट रिक्वायरमेंट वही है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है, आपने किसी को कोई काम दिया बाहर, कोई पार्ट ऑफ द प्रोसेस के बाहर से तुम करेगा, ये वो है आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है आउटसोर्सिंग में, दो चीज ध्यान रखना होता है, एक तो कहता है कि लीगल रिक्वायरमेंट, इसमें लिखा हुआ कहीं, हाँ लिखा हुआ, एक तो कहता है लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये मैं पढ़ नहीं रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट है। तो आपने किसी प्रोडक्ट को दिया, ठीक है, एक यू आर मैनेजिंग द मैनी बिग प्रोडक्ट, उसमें कुछ पार्ट किसी को आउटसोर्स कर दिया कि भैया ये आप इसका इस प्रोसेस को आप करो। सपोज कि कोई जिंक प्लेटिंग, माने सारी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, प्लेटिंग के लिए बाहर दे दिया। अब प्लेटिंग के लिए बाहर दे दो तो क्या होगा, अब उससे रिलेटेड, प्लेटिंग तो बाहर कर रहा है, अब उससे रिलेटेड जो अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट है क्या होगा, जो बंदा प्लेटिंग करेगा उसको एसिड लग सकता है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अब ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने आउटसोर्स किया कि भाई साहब आपको वहां देखना है कि दे आर कंप्लाइंग द लीगल रिक्वायरमेंट, OHS लीगल रिक्वायरमेंट अगर आउटसोर्स किया है तो। दूसरा चीज, वहां पे जो OHS हजार्ड क्रिएट होगा, होगा ना, आपने दिया ना काम, आपके लिए काम कर, तो वो भी आपको कंट्रोल करना है, या अदरवाइज वहीं के लोग करें, बट यू शुड मेक श्योर दे आर मीटिंग द कंप्लायंस। ये वही है, ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द आउटसोर्स फंक्शन एंड प्रोसेस आर कंट्रोल्ड, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेगी कुछ आउटसोर्स करते हो तो। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट इट्स आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट आर कंसिस्टेंट विद द लीगल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स जो भी OHS से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट हो आपको इंश्योर करना हो कंप्लाई कर रहा है, एंड अदर रिक्वायरमेंट एंड विद achieving the intended outcome OHS management system, the type and degree of control to be applied to those function and process shall be defined within the OHS management system. Clear हो गया भाई साहब? एक पहला क्या बताया, contractor जो इधर outsourcing जो आपने किया, क्लियर हो गया ना? तो दोनों के रिक्वायरमेंट, ये आप लोग शायद ओसास के ऑडिट करने जाते हो तो पता नहीं ढंग से लेते हो कि नहीं, इसी ढंग से इसी कॉन्सेप्ट में जेपी सीमेंट ना हो गया वो एग्जांपल, बहुत सारे थे तो इसी कॉन्सेप्ट में। अच्छा इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रेस्पॉन्स सेम है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। ओके परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ओवरऑल रिक्वायरमेंट है OHS परफॉर्मेंस की। क्या कहता है कि पहले क्रिटेरिया डिफाइंड करो कि व्हाट नीड टू बी मॉनिटर एंड मेजर, पहले तो डिफाइंड करो कि क्या हमें करना है, किसकी मॉनिटरिंग करनी है, पहले वो डिफाइंड करो। ए एक्सटेंड टू विच द लीगल एंड द रिक्वायरमेंट एंड फुलफिल्ड, देन इट्स एक्टिविटी एंड ऑपरेशन रिलेटेड टू आइडेंटिफाई द हजार्ड रिस्क अपॉर्चुनिटी, प्रोग्रेस टुवर्ड द अचीविंग द OHS ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस ऑपरेशन एंड कंट्रोल। देन क्या कहता है, द मेजर, पहले तो क्रिटेरिया डिफाइन करो कि क्या क्या हमें करना है, पहले तो डिफाइन करो कि हमें क्या मॉनिटर करना है, क्या मेजर करना है। फिर क्या कहता है, मेथड ऑफ मॉनिटरिंग, वो कैसे हम मॉनिटर करेंगे वो डिफाइन करो। फिर कहता है क्रिटेरिया, एक्सेप्टेंस क्रिटेरिया तो बनाएंगे ना कुछ, भाई ये है तो चलेगा, ये नहीं चलेगा, दैट विल डिफाइन। देन वेन कब होगा, फ्रीक्वेंसी, वेन द मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट शैल बी परफॉर्म, फ्रीक्वेंसी, वेन द रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग मेजरमेंट शैल बी एनालाइज एंड इवेल्युएटेड, ये आपको डिफाइन करना। तो इसके लिए आपको वर्क इंस्ट्रक्शन या कुछ भी बना सकते हैं, प्रोसीजर कुछ भी, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन।
कि क्या हमें करना है, कब करना है, क्रिटेरिया एक्सेप्टेंस क्रिटेरिया क्या है, कौन करेगा, कैसे होगा, कब इसकी एनालिसिस होगी। भाई रिजल्ट आएगा तो समवन डू द एनालिसिस। तो जनरली पीपल आर डूइंग द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग नॉर्मल प्रैक्टिस में, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी कर सकती है। जनरली इट इज डन इन द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग इफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, अदरवाइज सब कोई करता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया साहब। देन इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंसेस, ये पुरानी ही रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी अप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट है या अदर रिक्वायरमेंट है उसकी करंट स्टेटस क्या है, एंड इंक्लूडिंग द, आज ऊपर में हमने छोड़ दिया था ये क्लॉज नंबर 9.1.1 की एक रिक्वायरमेंट हमने छूट गया था, दैट मीन ऑर्गेनाइजेशन आर रिटेन द अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दैट एविडेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रखना होगा और मेंटेनेंस कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन मेजरमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड ये चीज मेंटेन करना होगा। इवेल्युएशन ऑफ कंप्लायंसेस हो गया, इंटरनल ऑडिट हम लोग जानते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू वही है, एंड देन लास्ट बट नॉट देन 10.2 इंसिडेंट नॉन कंफॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। तो करेक्टिव प्रिवेंट वही है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, कोई भी इवेंट्स होती है चाहे एक्सीडेंट हो इंसिडेंट हो नॉन कंफॉर्मिटी, आइडेंटिफाई द रूट कॉज, टेक द एक्शन ऑफ द रूट कॉजेस, इम्प्लीमेंट द थिंग्स एंड फिर मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहो। तो यही मेथोडोलॉजी है। एंड लास्ट कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, निरंतर विकास, जो हमारी ओएचएस परफॉर्मेंस को एक सर्टेन लेवल पे अचीव हो जाती है, नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यूअल रोड पे जो भी हम काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ISO 45000 स्टैंडर्ड वी कंक्लूडेड विद। अजय